जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों फाइनली एंड्रॉइड 12 से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स एंड डिटेल सामने आना शुरू हो गई है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारे आर्टिकल शेयर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड्रॉइड 12 सपोर्टेड स्मार्टफोन जिनको सबसे पहले एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस लिस्ट में आपका भी स्मार्टफोन जरूर हो। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन से स्मार्टफोन को सबसे पहले एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा। हमारी ये जो आर्टिकल का सोर्स है वो वेबसाइट है ब्लू सेल फोन्स। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी जहां से जाके आप पूरा एक कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहां पे एंड्रॉइड 12 के रिलीज डेट भी मेंशन है, जहां पे बताया गया है कि इसका जो फोर्थ डेवलपर प्रीव्यू होगा वो आपको करीब सितंबर 2020 में देखने को मिलेगा। तो मे बी अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। उसके साथ हम बात करते हैं फीचर्स की, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा। बट यहां पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी स्मार्टफोन है सबकी यहां पे लिस्ट दी गई। सबसे पहले आपको पता होगा कि एज यूजुअल जितने भी गूगल के स्मार्टफोन होते हैं पिक्सल फोन वही टॉप पे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको गूगल पिक्सल 5, पिक्सल 4a, पिक्सल 4a 5G, पिक्सल 4, पिक्सल 4 XL, पिक्सल 3 XL, पिक्सल 3, पिक्सल 3a, पिक्सल 3a 5G। दोस्तों उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्मार्टफोन है ये ग्लोबली स्मार्टफोन की लिस्ट है, तो मैं भी हो सकता है इनमें से बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में ना लॉन्च हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैमसंग के जो कि एंड्रॉइड 12 के अपडेट मिलने वाले हैं, उसमें भी मैक्सिमम फ्लैगशिप की लिस्ट है। यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 5G, S21 अल्ट्रा, S21 प्लस, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 5G, S20 प्लस, S20 प्लस 5G, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। उसके बाद यहाँ पे सैमसंग की नोट सीरीज का नंबर आता है जिसमें है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 5G, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा एंड सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दोस्तों जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन में है, ये है सैमसंग गैलेक्सी A32 5G, सैमसंग गैलेक्सी A12, सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम, सैमसंग गैलेक्सी F41, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 5G। उसके साथ यहाँ पे टैब की भी लिस्ट है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3 और सैमसंग गैलेक्सी टैब A7। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी दो स्मार्टफोन है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A42 और सैमसंग गैलेक्सी M51, जिसमें आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट जल्दी मिल जाएगा। नोकिया स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों आपको नोकिया 5.4, 3.4, 2.4, 5.3, 7.2, 6.2, 4.2, नोकिया C3, नोकिया 8B, नोकिया 2B और नोकिया C1 में एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। मोटोरोला की बात करें तो यहाँ पे आपको मोटो जी स्टाइलस, उसके बाद मोटो 1 5G एस, मोटो G9 प्लस और आपको मोटो जी पावर में मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे मोटो G9 पावर, मोटो 5G प्लस, मोटो 8G प्लस, मोटो एज और मोटो 1 फ्यूजन प्लस में भी एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा। वन प्लस की बात करें तो दोस्तों आपको 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 प्रो, आप सोच रहे होंगे कि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ तो आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने में भी टाइम है, तब तक स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद 1 प्लस 8T, 1 प्लस नॉट, 1 प्लस 8 प्रो, 1 प्लस 8, 1 प्लस 7 एंड 1 प्लस 7 प्रो में भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो लिस्ट है ये सबसे पहले मिलने वाले स्मार्टफोन की है, मे भी हो सकता है कि इस सीरीज में और भी जो स्मार्टफोन है उनको भी बाद में मिले, तो ये नंबर्स बाद में इसी वेबसाइट में या कहीं भी आप देखेंगे तो ऐड हो जाएंगे। शामी स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi 10, Mi 10 प्रो, Mi 10T, Mi 11, Mi 11 प्रो एंड Mi 11 लाइट में मिलेगा। उसके बाद Redmi K40 प्रो, Redmi K30 प्रो, K30 और Poco F2 में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ स्मार्टफोन की लिस्ट है जिनमें आपको सबसे पहले एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।